सर नमस्कार। नमस्कार जी। 2024 की पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक, कई विषयों पर गंभीरता से मंथन भी हुआ, चर्चा भी। एक तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का आभार प्रकट किया है कि हरियाणा सरकार के मार्फत जो हमारे घोषणा पत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, संत शिरोमणि रविदास जी का जो मंदिर का निर्माण इस बजट में रखा गया, उसके खिलाफ धन्यवाद प्रस्ताव पार्टी की ओर से भी हरियाणा सरकार को भेजने का काम करें। वही धन्यवाद प्रस्ताव केंद्र सरकार का किया जो भारत रत्न में 5 हमारे ऐसे महानुभाव जिनने देश सेवा में अपना समर्पण किया, जो पिछले दिनों में दिए गए हैं, और उसके साथ ये मांग भी हम लिखित में भेजेंगे कि स्वर्गीय काशीराम जी को और स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी को भविष्य के अंदर भारत सरकार भारत रत्न से सम्मानित करने का काम करें। बूथ सखी बूथ योद्धा पे जो कार्य हुआ है उसका विवरण भी दिया गया, और एक हफ्ते में उसको कैसे और गति के साथ कोड ऑफ कंडक्ट से पहले कंप्लीट किया जाए उसके आदेश दिए गए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि टाइम बाउंड मैनर के अंदर जो बूथ लेवल पर पार्टी का प्रचार है उसको लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ निर्णय, उसके लिए NDA से चर्चा करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने बनाई है, वो 7 दिन के अंदर चर्चा कर कर अपनी रिपोर्ट PAC को देगी। बैठक के बाद PAC अंतिम निर्णय। लोकसभा कितनी सीटों पे तालमेल बन सकता है आज के दिन? तो NDA के अंदर मुझे लगता है कि कल पहली जयंत जी के साथ बैठक हुई, और इस तरह की दौर अगले दिनों में चलता रहे, बैठ के चर्चा करके इस पे कोई निष्कर्ष। सर कल BJP इंटरनल इशू है, मुझे लगता है वो बेहतर विवरण दे पाए। कल जो बरसात हुई है, ओलावृष्टि हुई है, काफी नुकसान। कल रात को ही हरियाणा सरकार ने 15 मार्च तक गिरदावरी जो चल रही थी उसकी सीमा को बढ़ाने का काम किया है, ये देखते हुए कि कल रात तक ओलावृष्टि अलग अलग जिलों के अंदर हुई। किसान के फसल लॉस को 2 से 3 दिन के बाद प्रॉपर ब्यौरा भी हो पाएगा, और क्षतिपूर्ति पोर्टल को भी हम खोलने का काम कर रहे हैं। जिस किसान के भी खेत में क्षति हुई है वो क्षतिपूर्ति के माध्यम से अपनी क्षति का ब्यौरा सरकार को दे। किसान बैठे हुए हैं सर लगातार, और कि पंजाब सरकार हरियाणा की तरह पे 14 फसलों का MSP दे दे, मैं कहता हूँ शाम को खत्म हो जाएगी। उनकी मांग तो MSP की है, हरियाणा दे पा रहा है, पंजाब नहीं दे रही है, तो फेलियर पंजाब गवर्नमेंट का है। प्रेमलता जी बार बार बयान दे रही है कि JJP को बाहर कर, 4.5 साल हो गए, कोई नया बयान दिया है उनके परिवार ने? ले आओ कोई नई चीज। हुड्डा वो तो पार्टी छोड़ने की भी कह रहे थे, ना पार्टी छोड़े ना हमसे दूर हो पाए, तो वो तो कन्फ्यूजन की स्थिति में है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, कांग्रेस अपने आप को बहुत बड़ा दल मानती है, पर जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी को कुरुक्षेत्र की सीट दी है, मुझे लगता है कांग्रेस को भी बैसाखियों की जरूरत है। एक नया फार्मूला है, क्या चर्चा ये है कि कैंडिडेट JJP का होगा, चुनाव चिन्ह कमल का होगा? मैं ये मानता हूँ कि जननायक जनता पार्टी जो है वो चौधरी देवीलाल की सोच को कमजोर नहीं करती। सर एक हुड्डा ने एक बयान दिया अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि JJP और भारतीय जनता पार्टी समझौता को लेकर एक नया समझौता करने जा रही है, अभी उन्होंने रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भाई उनसे पूछो समझौते का समझौता क्या होता है। हमारे बलवीर पूरन जी माननीय उप मुख्यमंत्री जी का दुखा लेकर स्वागत करेंगे, यहाँ ब्लॉक मेंबर बलवीर पूरन जी स्थान ग्रहण कर ले, सभी कांग्रेस से अनुरोध है कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले, जो गेट के अंदर खड़े हैं सामने, ये राइट साइड के अंदर जो खड़े हैं इनसे भी अनुरोध है कि कृपा अपना स्थान ग्रहण कर ले, जितने भी खड़े हैं ये सामने में नजर आ रहा है। बलवीर की इसमें कुछ चर्चाएं हमारी जो है वो पार्टी की होनी है, तो इसलिए आप सबसे निवेदन है जितने भी प्रेस के साथी हैं, ये रविंद्र जी से अनुरोध करूंगा कि इनको देख ले कोई प्रेस का साथी या कोई वो आदमी यहाँ अंदर ना रहे, कोई बॉडीगार्ड गंगा जनमैन भी अगर है तो वो इसके ऊपर भी जो बने आप भी उनको जितने